दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारत जांगिड़, आपका दोस्त। और आज हमारे पास है दोस्तों ब्लैक एंड डेकर का कट ऑफ मशीन, जो कि 14 इंची का कटर मशीन है दोस्तों, जो कि आयरन कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो दोस्तों आज हमारे पास इस मशीन का आने का कारण है, कस्टमर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मशीन के अंदर साउंड आ रहा है। और फिलहाल तो मशीन की कंडीशन ये है, जैसे ही हम कटिंग के लिए नीचे प्रेस करते हैं तो मशीन बिल्कुल स्लिप हो जाती है, कटिंग नहीं कर पाती है, जाम हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बन बूस हमने खोल दिए इसके, और उसके बाद में जो इसका ये देख पा रहे हैं जो बैक कवर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे, जो कि एयर के लिए जाली टाइप का लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी पेचों को हम इसी के अंदर डाल देंगे, ताकि इधर उधर नहीं पड़े डोलेंगे, और सभी पेच और कार्बन बूस कैप वगैरह सब इकट्ठे रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हमें खोलना है इसके हैंडल, जिसमें कि 3 बोल्ट यहाँ पे हमारे कसे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ पे खोल देंगे। तो दोस्तों सभी पेच इसके प्लस स्क्रू ड्राइव से काफ़ी आसानी से खुल जाएंगे, यहाँ पे सभी पेचों को हम खोल लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मशीन को कम्प्लीट खोल कर चेक करेंगे, और क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में कम्प्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। तो दोस्तों सभी पेच हमने इसके खोल दिए हैं, और यहाँ पे देखिए, और थोड़े पेच अटके हुए हैं हल्के से, इसको भी थोड़ा लूज कर देंगे। और ये देख पा रहे हैं सभी पेचों को खोलने के बाद में हैंडल सहित जो पूरा हमारा आर्मेचर वाला जो हाउजिंग है कंप्लीट बाहर आ चुका है, और आर्मेचर भी दोस्तों इसी के अंदर आ गया है। आर्मेचर इसमें इस टाइप से आ गया है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए जो इसका बैरिंग है 6202 नंबर का बैरिंग, दोस्तों सबसे ज़्यादा चोपसा मशीन में 2 नंबर का ही बैरिंग यूज होता है। तो ये जो बैरिंग है यहाँ पे देख पा रहे हैं टूटा हुआ है, इसकी जाली वगैरह सब बाहर निकली हुई है इसकी, और बॉल भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसी कारण से इसकी जो मेरे को लगता है सीट भी काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है, क्योंकि हो सकता है जो बैरिंग है हमारा 2 नंबर का, 6202 नंबर का, वो जाम हो गया था। उसके बाद जैसे ही मशीन घूमी है तो इसकी सीट स्लिप कर गई है, और ये देखिए रगड़ के निशान भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं आर्मेचर के ऊपर। आर्मेचर बाकी ठीक है अभी इसका, और ये रबड़ सीट है जो इसकी 6000 बैरिंग के ऊपर लगी हुई है, जो कि 629 के ऊपर भी लगती है दोस्तों, ये ठीक है इसकी। और बैरिंग में प्ले है इसका 6000 नंबर का बैरिंग इसके अंदर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर भी प्ले है, तो इसको भी हमें रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों बैरिंग ही डालेंगे तो मशीन काफ़ी लंबे समय तक अच्छी चलेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये बैरिंग भी इसका टूटने वाला है। तो दोनों बैरिंग ही आपको हमेशा रिप्लेस करने हैं, कभी भी आर्मेचर के बैरिंग चेंज करें तो दोनों बैरिंग साथ साथ चेंज करने हैं। तो दोस्तों TKP का हम 6202 नंबर का बैरिंग लिया है, और दोस्तों सीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूज है, इस कंडीशन में मशीन ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसके लिए हमें जो इसकी सीट है इसको टर्न कराना होगा, और सीट टर्न कराने के लिए हमें इस आर्मेचर को मार्केट लेके जाना पड़ेगा टर्नर के पास, और वहाँ पे हम इस सीट को कंप्लीट कराने के बाद में इस मशीन को कंप्लीट फिट करेंगे, दोनों इसके बैरिंग डालेंगे। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो इसका बैरिंग है इसको भी हमें निकालना होगा। इस बैरिंग को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो कि हमारा सीलिंग फैन का पूलर है दोस्तों, 6201 और 6202 2-in-1 ये वोल्ट वाला पूलर है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए इसकी कटोरी, जो कि यहाँ पे इस टाइप से लगाकर पूलर को हम यहाँ पे डाल देंगे 6202 साइड से, क्योंकि 2 नंबर का ये बैरिंग है हमारा, और बोल्ट के जो दोनों पार्ट चौड़ाकर बीच में इसकी जो पिन है उसको यहाँ पे हमने जो इसकी पत्ती है उसको लगाने के बाद में यहाँ पे पेचकस को इसमें डाल दिया है। और जैसे ही हम इस नट को टाइट करते जाएंगे जो हमारा बैरिंग है, काफ़ी आसानी से दोस्तों बगैर गेयर को बगैर व्हील को खोले हुए काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए बैरिंग हमारा बाहर आ चुका है, यहाँ पे हेड से अलग हो चुका है बैरिंग इसका काफ़ी आसानी से, और वापस से पुलर को लूज करके पत्ते को निकालेंगे, और ये देखिए कटोरी के अंदर हमारा बैरिंग आ चुका है इसका, ये देखिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बैरिंग का काफ़ी बुरा हाल है, मशीन को खूब दबा के चलाया है अच्छे से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मशीन में कभी भी साउंड आ रही है तो आपको मैकेनिक को ज़रूर चेक कराना है, जिससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों NTN का बैरिंग लगा हुआ है, काफ़ी पुराना बैरिंग है इसमें, हो सकता है 7 का ही हो। तो दोस्तों ये बैरिंग बिल्कुल डैमेज हो चुका है, और इसे हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसका देख पा रहे हैं पुराना बैरिंग तो बहुत ही ज़्यादा लूज है,
और ये देख पा रहे हैं अंदर की जो आईडी है बैरिंग की वो भी कटी है और हमारी जो सीट है आर्मेचर की वो भी कटी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आर्मेचर हमारा ठीक है तो इसकी हम सीट कंप्लीट कराएंगे और इसी को टर्न कराएंगे, क्योंकि आर्मेचर यदि हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो खर्चा है इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी आर्मेचर को हम इसमें डालेंगे, उसके लिए इसकी सीट है जो हमें मार्केट से टर्न करानी होगी। तो उसके लिए जो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, इसकी सीट किस टाइप से बनवानी है तो उसकी भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। मैं सीट बनाने का भी वीडियो आपके लिए शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसका जो 6000 नंबर का बैरिंग है इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके बाद में आर्मेचर को हम मार्केट लेकर जाएंगे और इसको टर्न करा के लाएंगे। टर्न कराने के बाद में कंप्लीट जो इसकी फिटिंग है और दोनों बैरिंग रिप्लेस करके हम इसको चलाकर चेक करेंगे, और उसके लिए आपको जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का देखना होगा। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा जो पार्ट है काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। मैं हूं आपका दोस्त भारत जंगिड़, आपसे लेता हूं इजाज़त। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।